रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन नंबर वन। इफ़ ए रेशियो बी इजिकल टू 3:4 एंड बी रेशियो सी इजिकल टू 4:5 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। हमें चाहिए ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो बी हमें गिवन है 3:4, तो हमें ए रेशियो बी के नीचे 3:4 लिखना है और जो सी की वैल्यू होगी वो 4 होगी क्योंकि बी सी के जो नज़दीक अंक है वो 4 है। ऐसे ही बी रेशियो सी 4:5 है तो बी रेशियो सी के नीचे 4:5 लिखना है। तो ए की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी क्योंकि ए के नज़दीक अंक जो है वो 4 है। इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है 4 3 12 4 4 16 5 4 20। ये जो है 4 से डिविजिबल है पूरा अंक 4 3 12 4 4 16 एंड 4 5 20। तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3:4:5। इसी क्वेश्चन को हम मेथड नंबर 2 से करेंगे। इसका मेथड नंबर 2 है, हमें गिवन है ए रेशियो बी 3:4 एंड बी रेशियो सी 4:5। हमें पता है ये जो बी की वैल्यू है सेम होगी, तो यहाँ पे बी की वैल्यू सेम है क्योंकि यहाँ पे भी 4 है यहाँ पे भी 4 है तो ये 4 बराबर है ये बी के। तो ए की यहाँ पे वैल्यू होगी 3, बी की वैल्यू होगी 4 और जो सी की वैल्यू होगी वो 5। तो यहाँ से हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी होगा 3:4:5। ये इसका आंसर होगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 2A इजिकल टू 3B इजिकल टू 4C देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A रेशियो B रेशियो C। तो यहाँ से जो A की वैल्यू होगी वो 3 होगी और B की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। तो यहाँ से A बराबर 3 एंड B बराबर 2। एज इट इज़ B की वैल्यू यहाँ पे 4 होगी और C की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी। तो हमारा यहाँ से ए रेशियो बी है 3:2 और बी रेशियो सी है 4:3। तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी निकल के आएगा। ए बी की वैल्यू 3:2 यहाँ पे पुट करना है तो सी की वैल्यू क्या होगी 2। एज इट इज़ बी की वैल्यू बी रेशियो सी है 4:3 तो बी रेशियो सी के नीचे 4:3 लिखना है और यहाँ पे 4 लिखना है। तो 4 3 12 4 2 8 3 2 6 ये नंबर है 2 से डिविजिबल है 2 6 12 2 4 8 एंड 2 3 6। तो हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी निकल के आया 6:4:3। ये इसका आंसर होगा। अभी इसी क्वेश्चन को मेथड नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। हमें गिवन है कि ए रेशियो बी 3:2 है एंड बी रेशियो सी है वो 4:3 है। अभी यहाँ पे जो बी की वैल्यू होगी यहाँ पे बी की वैल्यू सेम होगी लेकिन यहाँ पे सेम नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है। अगर इसको हम 4 बना लेते हैं तो ये जो बी की वैल्यू है बराबर हो जाएगी। इसके लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रेशियो बी हमारा होगा 6:4 एंड बी रेशियो सी हमारा गिवन है 4:3। अभी यहाँ पे जो B की वैल्यू है ये बराबर होगी तो यहाँ पे A की जो वैल्यू आई वो 6 आई, B की वैल्यू हमारी कितनी है 4 एंड C की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। तो यहाँ से हमारा A रेशियो B रेशियो C आया 6:4:3 यानी कि 6:4:3। ये इसका आंसर होगा।